कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे फ्रेंड। आज मैं आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में DND डू नॉट डिस्टर्ब कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है वीडियो की। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में, यहाँ से आपको काफ़ी ऑप्शन देखने में आते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने में मिलेगा फ़ोन में साउंड पे क्लिक कर लेना। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको यहाँ से आपको बैक हो जाना। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। फिर इसके अपने फ़ोन में DND डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ऑप्शन देखने में आता है फ़ोन में डिस्प्ले। आपको डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी ऑप्शन देखने में आते हैं। जिसके आपको अपने फ़ोन में DND डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल करना है तो आपको साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक कर लेना। डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक करने के बाद में इस ऑप्शन को आप ऑन करेंगे। जब इसको ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में DND डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो जाएगा। जिसके अपने फ़ोन में इस प्रकार आपके फ़ोन में DND डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल, जिसके आपके फ़ोन में कोई व्यक्ति कॉल करेगा तो उसकी तरफ से बराबर रिंग बजेगी, मगर आपके फ़ोन में कोई भी कॉल कोई भी मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में DND डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।